सो गाइस, इस वीडियो में जब हम कंपेयर करने वाले सैमसंग के दो कमाल के स्मार्टफोन, एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन है मार्केट के अंदर। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M51 है और उसके तरफ रखे सैमसंग गैलेक्सी M31S को। दोनों के दोनों सैमसंग से लेटेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट 25 रुपीज़ के करीब था तो ये दोनों स्मार्टफोन आपके माइंड में ज़रूर आएगा। तो इन दोनों स्मार्टफोन को मैं डिटेलली कंपेयर करके आपको बताने वाला हूँ कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा, कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको ये डाउट क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल में नए आए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, बाजू में बेल आइकन दबाओ, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए। इस तरह मैं डेली अमेजिंग वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फायदे में रहोगे। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन की। स्टार्ट करते हैं दोनों के डिज़ाइन से। दोनों का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि सैमसंग का स्मार्टफोन है, बजट भी आजू बाजू ही आता है, तो डिज़ाइन भी सैमसंग ने टोटली सेम रखा है। बात करें फ्रंट डिज़ाइन की, यहाँ पर रखो M51 में, यहाँ पर रखो फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल डिज़ाइन मिलने वाला है। ऐसा डिज़ाइन मिलेगा आपको फ्रंट में, आप स्क्रीन में देख सकते हो। उसी तरह बात करते हैं M31S की, यहाँ पर भी आपको सेंटर पंच होल डिज़ाइन ही मिलेगा, एकदम सेम डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन में डिफरेंस नहीं है, तो डिज़ाइन को लेकर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बैक साइड की डिज़ाइन की बात करो तो बैक साइड में भी आपको सेम डिज़ाइन मिलता है दोनों के अंदर। स्क्वायरिश का कैमरा मिलता है, क्वाड कैमरे का सपोर्ट मिलता है, दोनों का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है। दूर से देखो तो आपको डिफरेंट बता ही नहीं पाओगे। तो डिज़ाइन को छोड़ते हैं, बात करते हैं दोनों की हार्डवेयर की। स्टार्ट करते हैं दोनों की डिस्प्ले से। दोस्तों सैमसंग का स्मार्टफोन तो कमाल का डिस्प्ले होने वाला है दोनों स्मार्टफोन में, ये तो हमें अच्छे से पता है। स्टार्ट करते हैं M51 की, यहाँ पर आपको डिस्प्ले की साइज़ मिलेगी 6.7 इंच की, फुल एच डी प्लस सुपर एमोलॉइड डिस्प्ले मिलेगी, 60Hz रिफ्रेश रेट टेक्नोलॉजी के साथ ये डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M51 में। उसी तरह बात करें सैमसंग गैलेक्सी M31S की, यहाँ पर आपको डिस्प्ले थोड़ा छोटा मिलेगा, 6.5 इंच की फुल एच डी प्लस सुपर एमोलॉइड डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट टेक्नोलॉजी के साथ, और यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही मिलने वाला है। तो डिस्प्ले दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, बस डिस्प्ले साइज का फर्क है। यहाँ पर आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है M51 में और यहाँ पर थोड़ा छोटा मिल जाता है M31S में। तो आपको देखना पड़ेगा बड़ा स्क्रीन चाहिए या फिर आपको छोटा स्क्रीन चाहिए, ये आपका फैक्टर है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। दोनों के रियर कैमरा की बात करें या फिर फ्रंट कैमरा की, दोनों में टोटली सेम कैमरा दिया गया है, सेम सेंसर, सब कुछ सेम दिया गया है। तो एक ही बार में मैं बता देता हूँ, दोनों में यहाँ पर को सेम बैक साइड में क्वाड कैमरा मिलेगा, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, सेकेंडरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल होने वाला है वो वाला। साथ में थर्ड सेंसर यहाँ पर को माइक्रो होने वाला है 5 मेगापिक्सल का, और जो फोर्थ सेंसर को डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल का। दोनों में यहाँ पर को सेम कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें, दोनों में यहाँ पर आपको सिंगल सेल्फी शूटर मिलता है पंच होल डिस्प्ले के अंदर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। तो दोनों के कैमरा डिपार्टमेंट में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों का कैमरा एकदम सेम मिलता है, तो कैमरा को आप स्किप कर सकते हो दोनों में से। अब बात करते हैं दोनों की वेरियंट्स की। दोनों में यहाँ पर आपको सेम वेरियंट ही मिलता है। दोनों में यहाँ पर आपको 6GB की रैम मिलती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 8GB रैम मिलती है और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है हायर ब्रांड में। तो दो वेरियंट दोनों में मिल जाता है। दोनों में यहाँ पर आपको माइक्रो एड से एक्सपैंड करने का स्लॉट भी मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर दोनों में यहाँ पर आपको 3.5mm का हेडफोन जैक मिलता है। दोनों में यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही मिलता है, तो कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं। बात करें प्रोसेसर की, प्रोसेसर में बहुत बड़ा डिफरेंट है दोनों के अंदर। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M51 में यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G मिलता है, पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है यहाँ पर। और उसी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M31S में यहाँ पर आपको सैमसंग का ही प्रोसेसर मिलता है, एक्जोनोस का 9611 प्रोसेसर मिलता है, जो सैमसंग का टिपिकल प्रोसेसर है। 10,000 के स्मार्टफोन में भी वही प्रोसेसर सैमसंग देती है और 30,000 रुपये के प्राइस वाले स्मार्टफोन में वही प्रोसेसर देती है। अभी प्रोसेसर कंपैरिजन की बात करो तो नो डाउट, आग बंद करके यहाँ पर को स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है M51 में। तो अगर आपको गेमिंग करनी है, ऑलराउंडर, अगर आपको गेम वेम अच्छे से चाहिए तो M51 की तरफ नो डाउट चले जाइए। बात करें दोनों की बैटरी की, दोनों में बैटरी भी ज़्यादा बड़े डिफरेंस नहीं। यहाँ पर आपको M51 में यहाँ पर आपको 7000mAh बैटरी मिलती है और 25W फास्ट चार्जिंग मिलती है। इतनी बड़ी बैटरी है, थोड़ा बल्कि स्मार्टफोन होने वाला है, थोड़ा मोटा भी होने वाला है M51। उसी तरह बात करें सैमसंग गैलेक्सी M31S की, यहाँ पर आपको 6000mAh बैटरी मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपको 25W फास्ट चार्जिंग मिलने वाली सेम। तो यहाँ पर भी स्मार्टफोन भी बल्कि होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको बैटरी ज़्यादा मिलती है M51 में। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए, थोड़ा वेट ज़्यादा लेकर चलेगा तो M51 की तरफ आप नो डाउट चले जाइए। सो गाइस, ये तो थी दोनों की बैटरी कंपैरिजन की। दोनों के बैटरी में आपने देख लिया, यहाँ पर आपको M51 जीतते हुए दिख जाता है। साथ में दोनों में यहाँ पर आपको सेम OS मिलने वाला है, लेटेस्ट Android 10 मिलने वाला है और One UI दोनों में आपको लेटेस्ट मिलने वाला है।
तो ज़्यादा कम चेंजेस दोनों में ज़्यादा स्पेसिमेंस को लेकर ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, बस डिस्प्ले को लेकर थोड़ा डिफरेंट है और बैटरी को लेकर डिफरेंट है और प्रोसेसर को लेकर, बाकी सब दोनों स्मार्टफोन में एकदम सेम मिल जाता है। एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ, बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। प्राइस मेन मैटर करता है कोई स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि एक प्राइस मेन फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि प्राइस हमेशा डिसाइड करता है क्या स्मार्टफोन बेस्ट है या फिर वो स्मार्टफोन वर्स्ट है, ये चीज़ मेन मैटर करता है। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसकी प्राइस जो इंडिया में होने वाली है, इसकी प्राइस होने वाली जो 6G वाले वेरियंट की प्राइस 25,000 रुपीज़ के अंडर होने वाली है, और जो 8G वाले वेरियंट है उसकी प्राइस 30,000 रुपीज़ के अंडर होने वाली है। 28,000 रुपीज़ तक में आपको 8G वाला वेरियंट यहाँ पर M51 में मिल जाएगा। ये लीक प्राइस की बात करो, 99% ये कन्फर्म प्राइस ही है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एंड में प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैं M51 का एग्जैक्ट प्राइसिंग मैं अपडेट करता हूँ जैसे स्मार्टफोन लॉन्च होगा। 10 तारीख को स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, मैं कुछ दिन पहले ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्राइस एग्जैक्ट अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करना। उसी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M31S इंडिया में लॉन्च हो चुका है कुछ दिन पहले, और इसका दो वेरियंट है। इसकी जो 6GB 120GB वाले वेरियंट की प्राइस है इंडिया में 19,500 रुपीज़ इंडिया में इसकी प्राइस रखी गई है। साथ में जो हायर वेरियंट है 8GB वाला वेरियंट उसकी प्राइस रखी गई है, 8GB 120GB वेरियंट की प्राइस है इंडिया में 21,500 रुपीज़ के करीब इसकी प्राइस रखी गई है इंडिया के अंदर। और आपको बाइंग लिंक दोनों स्मार्टफोन के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्राइसिंग जितना भी अपडेट है डिस्क्रिप्शन एक बार प्लीज़ चेकआउट करो, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। अब बात करते हैं कंक्लूजन, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, ये चीज़ के बारे में भी आपको हेल्प करूँगा ना यार, मैं हूँ तो हेल्प क्यों नहीं करूँगा। देखो अगर आपका बजट एकदम टाइट है, 20,000 तक के अंदर आपको एकदम टाइट बजट में आप बिल्कुल नहीं जा सकते, तो नो डाउट M31S की तरफ चल जाइए, क्योंकि अगर आपका बजट ही एकदम टाइट है तो आपको ये स्मार्टफोन इस प्राइस में ऑलराउंडर बेस्ट मिल जाएगा, सैमसंग से ऑलराउंडर बेस्ट ऑफरिंग है। तो अगर आपका 20,000 के अंदर ही बजट है तो स्मार्टफोन की तरफ चल जाए। अगर आप थोड़ा बजट को एक्सटेंड कर सकते हो 25,000 रुपीज़ तक, 23,000 रुपीज़ तक एक्सटेंड कर सकते हो, तो नो डाउट यार सैमसंग गैलेक्सी M51 को ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपको गेमिंग करना है ऑलराउंड, आपको हाई एंड गेमिंग खेलनी है और लॉन्ग टाइम तक आपको स्मार्टफोन को चलाना है, प्लस आपको स्मूथ चाहिए डे टू यूज़ में, कोई भी आपको लैग ना मिले हैंग ना मिले, तो M51 आपको प्रोसेसर डिपार्टमेंट में अच्छा ही मिलेगा। साथ में उसकी बैटरी भी बहुत बड़ी है, अगर आप गेमिंग बहुत ज़्यादा ही करने वाले तो आपको बैटरी फैक्टर को देखना पड़ेगा, या फिर आप गेमिंग करते हैं या फिर आपको चार्ज देने में बहुत प्रॉब्लम होता है, गुस्सा आता है, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको कमाल की मिलेगी, बैटरी भी कमाल की मिलेगी और डिस्प्ले का साइज़ भी बहुत अच्छा मिलेगा। इफ़ अगर आपको ऑलराउंड कंटेंट कंज्यूम करना है तो M51 आपके लिए ही बना है, नो डाउट। आपको बड़ा स्क्रीन मिल जाता है, पावरफुल डिस्प्ले मिल जाता है, पावरफुल यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में पावरफुल बैटरी मिल जाती है, तो ऑलराउंड अच्छा मिलता है, और कैमरा दोनों में सेम ही मिलता है, तो कैमरा में कोई फर्क नहीं है। डिज़ाइन मैंने जैसे आपको बताया फ्रंट डिज़ाइन दोनों में एकदम सेम मिलता है, बैक साइड डिज़ाइन भी दोनों में सेम मिलता है, तो अभी आपका प्रेफरेंस है आपको किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है वो आपका पसंद होना चाहिए। आपने इन दोनों स्मार्टफोन में से किसको आप विनर मानते हो अपने हिसाब से कमेंट में बताओ यार, कमेंट खुला हुआ है पूरी तरह, कमेंट में लिखो, दिल खोल के रिप्लाई आपका भाई पक्का देगा, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, तो प्लीज़ यार कमेंट किया करो इन दोनों स्मार्टफोन में आपके सबसे कौन सा विनर है कमेंट में करो। अगर आप मेरे से पूछते हो मेरा विनर कौन है, नो डाउट सैमसंग गैलेक्सी M51 ही मेरा विनर है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो M51 का मैं कंपैरिजन बाकी स्मार्टफोन के साथ करो, आप कौन से स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो, फिलहाल तो मैं सैमसंग गैलेक्सी M51 को OnePlus Nord के साथ कंपेयर कर चुका हूँ, तो आप चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना अगर आपको वो स्मार्टफोन के साथ चाहिए था। और किसी स्मार्टफोन के साथ आप चाहते हो मैं इसका कंपेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं रिप्लाई आपको पक्का दूंगा, साथ में उस वीडियो को मैं पक्का बना दूँगा, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा मैं वीडियो पक्का जल्दी से जल्दी बना दूंगा। साथ में कमेंट में जो भी है आपके दिल में लिख दो, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मज़ा आता है लाइक देखते हैं तो। और चैनल में नए आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकन दबाओ, वीडियो का सेलिब्रेशन आपको मिलने चाहिए। इस तरह मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ तो आप एकदम अपडेटेड रहोगे स्मार्टफोन को लेकर, मैं डेली क्रेजी वीडियोस बनाता हूँ, इसी तरह स्मार्टफोन की न्यूज़ देता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा नाम था इमरान, आप देख रहे टेकी इमरान, तो इस तरह के साथ मैं फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।